पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देशवासियों को समर्पित। पीएम मोदी ने कहा, प्रकृति से छेड़छाड़ समाज के कल्याण में नहीं। गुजरात के मोरबी में गांव से करीब 600 करोड़ की हीरोइन बरामद। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने साधा निशाना, कहा उड़ता गुजरात। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन को तैयार, कहा सिर्फ राजधानी ही नहीं एनसीआर में भी लगे पाबंदी। सितारगंज में सिरसा शक्ति फार्म मार्ग का लोकार्पण, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। चमोली में 5 दिवसीय संस्कृति पड़ाव कौथीक शुरू, जोर शोर से हो रहा आयोजन। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। सितारगंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शक्ति फार्म पहुंचकर सिरसा शक्ति फार्म मार्ग का लोकार्पण किया। उनका हेलीकॉप्टर शक्ति फार्म के राजकीय इंटर कॉलेज में उतरा। इसके उपरांत उन्होंने टैगोर नगर के मिनी खेल मैदान में पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उनके साथ पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट, किच्छा विधायक राजेश शुक्ला पहुंचे थे। उनके द्वारा अपने कार्यकाल के बारे में बताते हुए कहा कि उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत काम, समय में बहुत सारी समस्याओं को हल करते हुए कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आशाओं का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा प्रधानों के मानदेय को बढ़ाते हुए उनकी मांगों को पूरा किया गया है। सितारगंज चुनगलिया जो सड़क है, उस सड़क के बारे में भी जल्दी जो है हम लोग उसको भी निर्माण कार्य के लिए हमने उसकी भी जितनी बाधाएं थी वो समाप्त कर दी। और भी जो इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता से इस प्रकार का संवाद कर रहे हैं। और उसका उत्तराखंड सरकार के सचिव एसएस संधु ने रीठा साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर जिला प्रशासन चंपावत से जनपद में निर्वाचन, आपदा प्रबंधन, राहत, मुआवजे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य सचिव महोदय ने परिवार संगम गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गुरु प्रबंधन समिति द्वारा मुख्य सचिव महोदय को शॉल और कृपाण देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कई जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन जनपद में आए अति विशिष्ट वृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली और प्रशासन द्वारा इस संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा भी की, जिसमें उन्होंने मुआवजे और राहत समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। तो मुख्य सचिव एसएस संधू का दौरा रहा, आज रीठा साहिब के दर्शन किए, साथ ही उन्होंने मत्था टेक कर गुरु का आशीर्वाद भी लिया और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शॉल उड़ाकर साथ ही कृपाण देकर उनका स्वागत किया और सम्मान किया। अभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ डीएम साहब भी थे, सीडीओ साहब थे, एसपी साहब थे और सीएमओ साहब थे। तो हमने जो अभी आपदा आई उसके बारे भी चर्चा की, जो राहत कार्य कितना पूरा हो गया है, कितना रह गया है, और उसके बाद इलेक्शन आ रही है उसकी तैयारी की बात की, और हेल्थ रिलेटेड इशू जो कोविड वगैरह के साथ हैं उन सभी की समीक्षा की और संतोषजनक कार्रवाई पाई गई। जिले की पूरी टीम लगी हुई है और अच्छा काम कर रही है। कुछ बिंदु थे जो शासन स्तर पर निर्णय होना है, उसके बारे जिलाधिकारी ने बताया, उसको हम जनपद चमोली के प्रखंड नारायणगढ़ में संकोट गांव में 5 दिवसीय पांडव और देवी देवताओं के कैथोलिक का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की खुशहाली, समृद्धि और गांव के बाहर रहने वाले प्रवासियों की कुशलता के लिए देवी देवताओं एवं पांडवों की पूजा अर्चना की गई। ग्रामीणों की ओर से जोर शोर से आयोजन किया जा रहा है। देवभूमि में देवी देवताओं को पूजने, नृत्य कराने की परंपरा है। वहीं साथ ही संस्कृति और प्रकृति से अनूठा लगाव यहाँ के लोगों की सदियों से परंपराएं रही है।
सड़कोट गांव में 5 दिवसीय पांडव और देवी देवताओं के कौथीक के आयोजन के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि कोरोना काल में देवी देवताओं से गांव और गांव से बाहर रहने वाले प्रवासियों की सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की गई। साथ ही सभी के सकुशल होने पर देवी देवताओं को पूजने का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सार बाहर भी जितने हमारे बाल बच्चे हैं, नाती नतने हैं, हमने कहा कि कोरोना काल आ गए और ये कुशल मंगल अपने घर में आए और हम पांडवों की कोई भी देव जी देवताओं की पूजा करेंगे अपने घर में, अपने चौक में, अपने गांव में। हमारा ग्राम सभा सभी इकट्ठे हुए और हमने बुजुर्ग या छोटे बड़े से हमने मन्नत मांगी कि बेटा तुम ऐसा करो कि हमारा गाँव में बहुत देवता है, पर ये कुंवरा कादी जो होता तो ये पांडव को होते और सिर मंगसिर दोनों नवरात्रों में होते, अतः ये कादिक में जो कुंवरा कादिक होता पांडवों के होते, पांडव सब दुख दूर करते, इसलिए करते कि भक्तों की सेवा करते। सात सप्तमी से ये हुआ, नवमी एकादशी हो गई, कृष्ण भगवान नागलोक में जब गए थे तो 6 महीने वो नागलोक रहे, आए उस समय की समय के एकादशी के पर्व वो ऊपर आ गए, मतलब में गाय के पूछ पकड़ के ऊपर आए। हमने आज गाय की खोज की पांडवों ने और गाय को गाय जीवाई, उनकी पूजा की, गो माता भी सबका दुख हरती। तो आपकी मन में रहे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कोरोना काल में हमने बहुत कुछ वो था, हमारे मतलब गाँव में कोई घर नहीं आ पाए, कोई कुछ नहीं, इस कारण हमने मदद मांगी थी जो हम पूरी हो गई, जिसका हमारे भाई बहन सारे मतलब घर आ गए थे। आज जिस उस मन्नत के लिए हमने वो पांडव लीला करी थी, आज हम उस पांडव लीला में पांडव लीला करा रहे हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग, भाई बहन, छोटे भाई सभी पांडव लीला में अच्छे से काम कर रहे हैं, जिस कारण हम पांडव लीला तक बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं। हरिद्वार में बसपा पार्टी को छोड़कर सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि देश की आजादी में जवाहरलाल नेहरू के योगदान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सभा का आयोजन भी किया, जिसमें विधानसभा ज्वालापुर के ग्राम गड़मीरपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने बसपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर अर्जुन कर्णवाल को कोटा मुरादनगर कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष धर्मपाल का कहना है कि जगह जगह पर किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और ये भाजपा सरकार किसान विरोधी है और आगामी चुनाव सन 2022 में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, आज देश 70 सालों में इतना डेवलपमेंट हुआ है और बीजेपी सरकार इसे इस तरह पेश कर खा रही है, जनता परेशान, पब्लिक परेशान, किसान 1 साल से लगातार मर रहा है बॉर्डर, और एक तरफ ये लोग अपना किसान रैली करते हैं, क्योंकि जनता सरकार है, जनता सरकार है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और हम तन मन धन से पूर्ण निष्ठा से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आज मैं अपने साथियों के साथ में, कांग्रेस पार्टी के साथ में मेरे युवा दोस्त वहाँ सभी सम्मिलित हुए हैं और मैं ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ण कुट्टम नगर में ईमानदार से लगन से काम करूँगा और हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष में आभार नियुक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे इस काम में जिम्मेदार दिया। इस कार्यक्रम का भी चल रहा है, दूसरे कांग्रेस को मजबूती भी हो चुकी है, आज चुनाव आ चुके, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी थोड़ी भाली जनता को ठगने का काम करते हैं, इसलिए हम अपनी जनता को समझाना चाहते हैं, समझ चाहते हैं कि ये फिर इस प्रकार की जो है कोई ऐसा जुमला छोड़ना है, जुमलों वाली सरकार है, ताकि कोई जुमले में ना आवे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर श्यामपुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की और इस दौरान हरीश रावत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, भाजपा उनके खिलाफ कितनी ही कूटनीतिक बयानबाजी कर ले उनसे जनता का मन बदलने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के दिग्गज नेता तो प्रचार करेंगे ही, साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी उत्तराखंड पहुंचकर चुनाव के प्रचार में अपनी धार देने का काम करेंगे। हम हिंदू हैं, वो तत्व निकले हुए हिंदू हैं, अंतर इतना ही है, तो जहां मूल है वहीं तो सब कुछ होता है, मूल तो हिंदू है, मूल सनातन धर्म है, हम हिंदू होने पर
हमें गर्व है, मगर दूसरों को भी हम उतना ही प्यार करते हैं। भाजपा जो है दूसरों से, दूसरों के खिलाफ नफरत घृणा फैला करके राजनीति करना चाहती है, हम सबको जोड़ करके विकास को आगे। मसूरी में शहीद स्थल झूला घर के निकट कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया, जिसमें वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने का आह्वान किया। हालांकि सम्मेलन में वरिष्ठ कांग्रेसी नदारद रहे, जिनको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी ने कहा कि यही वक्त है जब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंक कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। लक्सर में सलमान खुर्शीद की पुस्तक के विमोचन के बाद सामने आए तथ्यों को लेकर हिंदू संगठन भड़क गए हैं। हिंदू संगठनों ने लक्सर के बालावाली तिराहे पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भड़के हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में सनराइजिया नाइजीरिया के बोको हराम और आतंकवादी संगठन के साथ हिंदू संगठनों की तुलना कर हिंदू संगठनों के अहम को ठेस पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का काम भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राशिद अलवी ने श्रीराम का नाम लेने वालों को निशाचर की संज्ञा देकर हिंदू संगठनों पर सीधा हमला बोला है, जिसके लिए उन्हें कभी बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू समाज के बारे में अपनी किताब में जो शब्द लिखे हैं, मैं समझता हूँ उनको ये समझ नहीं है। जितना भी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं का विरोध किया है वो रसातल में पहुँच गई है। आज हिंदुओं का ISI का एजेंट बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, इस देश का खा रहे हैं, इसी देश की का विरोध करते हैं। ऐसे सभी नेताओं को जिन्हें हिंदुस्तान से देहरादून के कुड़ियाल गांव ग्राम कुड़ियाल वासियों ने गांव को जाने वाली सड़क को लेकर प्रकाश पंत रोड पर धरना दिया। ग्राम वासियों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर उनका ये धरना से अनिश्चित काल तक चलेगा, क्योंकि जिस रोड की समस्त ग्रामवासी मांग कर रहे हैं वो कई वर्षों से प्रयोग में चल रही है, लेकिन उनकी मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कुड़ियाल गांव के ग्राम प्रधान महेश कुकरेती जी ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान जब हीरा सिंह बिष्ट की परिवहन मंत्री थे, उनके कार्यकाल में नारियल फोड़कर इस सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था, लेकिन न जाने किन कारणों से आज तक फाइल शासन प्रशासन में घूम रही है। उन्होंने कितने विवश और कितने हताश होकर जो है यहाँ धरने पे बैठने का जो उन्होंने जो मन बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जो उनकी मूलभूत जो सुविधा है सड़क, वही सड़क नहीं बन पाई है ना, क्योंकि ये जो सड़क है सन 1986-87 में इसका डामीकरण हुआ था, उसके बाद से लेके अभी तक इन सड़कों का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिससे जो है ग्रामीणों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हताशा है कि हमारी सड़कें नहीं बन पाई हैं। और आप देखें कि 86-87 से और 78-79 से जो इसमें जो है काम हुआ था, उसके बाद से इसमें कोई इनमें कोई काम नहीं हुआ था। ये जो सड़क आप देख रहे हैं कच्ची सड़क, ये डामरीकरण इसमें हो चुका है, 86-87 में डामरीकरण हुआ था, उसके बाद से इसमें कोई डामरीकरण नहीं हुआ है। तो जो है ग्रामीण जो है बहुत ज़्यादा हताश है, निराश होकर जो है उन्होंने जो ये मन बनाया है धरना प्रदर्शन का, उनका धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी जो है लंबी दोनों सड़कें हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व इलागास बगवाल के अवसर पर गढ़ सेवा संस्थान की ओर से गंगा तट त्रिवेणी घाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी पहुंचे, जिनके स्वागत में गायक पद्म और उनकी टीम ने गीत गाया। वहीं गढ़वाली हास्य कलाकार घनानंद ने भी प्रस्तुति देकर लोगों को खूब हंसाने का काम किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बगवाल के अवकाश करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। तो अवकाश का ऐलान किया गया है इगास बगवाल पर्व पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस
अवकाश का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस अवसर पर कई बड़ी हस्तियां आईं और उन्होंने लोगों को जमकर हंसाया भी और उनका मनोरंजन किया। निकास पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। जो हमारा उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध लोक पर्व घास है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आज इसको मनाया जा रहा है, मैं इसके लिए हर अपने प्रदेशवासी को बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूं। ये हमारा एक लोक पर्व भी है और हमारा बहुत चूँकि परंपराओं वाला एक कार्यक्रम भी है और निश्चित रूप से मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने इस परंपरा को जो कहीं ना कहीं हम भूल रहे थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया और पिछले 3-4 सालों से लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आज गढ़ सेवा संस्थान का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने हजारों की संख्या में, आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे हमारे तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में आज हम लोग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी रहेंगे, भैलो भी खेलेंगे और पकवान भी खाएंगे, जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है उसका पूरा हम आनंद लेंगे। और मैं अपनी सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने इसको सार्वजनिक छुट्टी के रूप में हमारे को एक उपहार दिया है और निश्चित रूप से मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये हमारी संस्कृति का त्यौहार है, हमारी खुशियों का त्यौहार है, हमारी एक परंपरा का त्यौहार है, इसको हम इस प्रकार से मना। ICICI फाउंडेशन द्वारा गरीब महिलाओं को 3 दिवसीय नेचुरल खेती प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि ICICI फाउंडेशन लगातार 5 वर्षों से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गरीब किसानों और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में महिला किसानों को कोटाबाग ब्लॉक के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पवलगढ़ मनकंठपुर गांव में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 किसान महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 30 महिलाओं के साथ यहां पे कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि हम नेचुरल फार्मिंग में किस तरीके से खेती की जा सकती है, जैसे कि यहां पे ट्रेनिंग के दौरान महिलाएँ वर्मी कंपोस्टिंग तैयार करना और साथ में वेस्ट मैनेजमेंट पे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ साथ में इनको एजोला फार्मिंग पे भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ साथ में यहाँ पे मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन तथा गाय और भैंस पालन पे भी यहाँ पे इन पे फोकस किया जा रहा है, इन पे इनको संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। नरेंद्रनगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश राणा की पहल पर नरेंद्रनगर विधानसभा के गढ़वाला में गढ़वाल का प्रसिद्ध लोक पर्व इगास बगवाल पर्व मनाया गया। साथ में गढ़वाली बाघ यंत्र ढोल दमाऊ की थाप जागर पौराणिक गढ़वाली लोकगीत और भैला खेल कर ये पर्व मनाया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु राम का रावण का वध कर 14 वर्षों के बाद वनवास से जब अयोध्या लौटे तो संपूर्ण अयोध्या नगरी दीपों से जगमगाए उठा था। ये इगास जो हम लोग मना रहे हैं अपने बच्चों को इस संस्कृति से रूबरू कराने के लिए, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है जान सके कि हमारे त्योहार क्या है, ये संस्कृति बच्चों के बीच से खत्म होती जा रही है। इसीलिए हमने लोगों को संदेश दिया था कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक उसमें कार्यक्रम में लेके आए और ये उनके वो जान सकें कि जो इगास बगवाल जो मनाने का जो यहाँ पर ये प्रोग्राम करा गया, इसका सीधा सीधा एक ही संदेश हम लोग सब देना चाहते थे भाई योगेश राणा जी जिन्होंने जो मुख्य आयोजक थे, कि आज हमारी जो संस्कृति विलुप्त हो रही है उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो है ऐसे प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है वो अपने सारे रीति रिवाज जो हमारे त्यौहार हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो ये मुख्य त्यौहार होता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।